नितिन, मैं प्रेग्नेंट हो गई। क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो गई हो क्या? हाँ, मैंने टेस्ट किया था और ये देखो टेस्ट पॉजिटिव आया। ओह शिट, ये क्या हो गया? मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा? तुम एक काम करो, मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, इसका अबॉर्शन कराते हैं। नहीं, मुझे अबॉर्शन नहीं कराना है। नहीं कराना? ये तुम क्या बोल रही हो? अरे हरप्रीत, तुम प्रेग्नेंट हो गई हो, लोगों को क्या जवाब देंगे हम? अरे तो हम संभाल लेंगे ना, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? घबरा क्यों रहे हो? अरे ये घबराने वाली बात है, तुम प्रेग्नेंट हो गई हो, ये बच्चा कैसे संभालेंगे हम? है, ये हमारी उम्र दिखती है बच्चा संभालने वाली? देखो, आज नहीं तो कल हम शादी करने वाले थे, तो क्यों ना हम अभी शादी कर लेते। अरे हरप्रीत, हम शादी तो करने वाले थे, लेकिन घर वालों को क्या बताएंगे कि ये बच्चा कहाँ से आया है? मुझे पता चल गया, तुम ना मुझसे शादी करने ही नहीं वाले थे। हरप्रीत, मुझे शादी करनी थी, लेकिन बच्चा जिंदगी का बहुत बड़ा डिसीजन होता है और मैं उसके लिए भी रेडी नहीं हूँ। अरे तो संभाल लेंगे ना, तुम शादी के लिए हाँ तो बोलो। अरे शादी शादी शादी, अरे नहीं करनी है मुझे तुम्हारे साथ शादी। मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में बस इसलिए था ताकि तुम्हारे साथ टाइम पास कर सकूं और मजे ले सकूं। मुझे नहीं चाहिए बच्चा। बच्चा क्या बोल रहे हो नितिन तुम? मैं वही बोल रहा हूँ जो तुम सुन रही हो। और क्या बड़े खुले में आके बोल रही हो कि मैं प्रेग्नेंट होगी? अरे संभाल नहीं सकती थी क्या तुम? बच्ची हो क्या बिल्कुल? और हाँ, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ, नहीं मुझे ये बच्चा चाहिए और ना ही तुम। और हाँ, आज के बाद ना मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूँ और ना इस बच्चे की। जा रहा हूँ मैं ये घर छोड़ के, अब खुद ही संभालो इसे, रहो अपने बच्चे के साथ। नितिन, मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं ये सब नाटक कर रही थी। क्या? मैं ना बहुत परेशान हूँ, मैं तुझसे बहुत दिन से बात करना चाहती थी बट समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। नितिन ना मुझे बहुत प्यार करता है, मेरी बहुत केयर भी करता है और मुझे बहुत सपोर्ट भी करता है, पर ना जैसे ही मुझसे शादी की बात करती हूँ तो वो मेरी बात टाल देता है। मुझे ना बहुत डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे ना ऐसा लगता है कि वो ना मुझसे शादी भी नहीं करेगा। बताना मैं क्या करूँ? देख, मुझे ना शुरुआत से नितिन पे डाउट था और मैंने तुझे मना भी किया था कि उसके साथ रिलेशनशिप में मत आ, पर तूने मेरी बात ही नहीं सुनी। देख नितिन ना, अगर प्यार व्यार की बात आए तो वो तेरे साथ लॉयल रहेगा, और जहाँ पे शादी की बात आ गई वहाँ कुछ ही लड़के लॉयल रह पाते हैं। पर हमें खुद से करना पड़ेगा। मेरे पास ना एक आइडिया है, तू एक काम कर, तू नितिन के सामने ऐसा दिखा कि तू प्रेग्नेंट है। क्या? ये क्या बोल रहा है तू? हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, अगर नितिन तेरी प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुन के तेरे साथ लॉयल रहा तो ठीक है, तब तो पता लग जाएगा, और अगर वो तुझे छोड़ के चला जाता है तब तो हमें उसकी सच्चाई का पता ही लग जाएगा। सही कह रहा है तू, मैं ट्राई करती हूँ। थैंक यू सो मच। हाँ थैंक गॉड मैंने नाटक किया और मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई, और थैंक गॉड मेरे फ्रेंड का जिसने मुझे सजेस्ट किया कि मैं तुम्हारे साथ ये नाटक करूं। नितिन, ये छोटी सी सिचुएशन में तुम मुझे छोड़ के जाने का सोच रहे थे, हाँ आगे हमारे लाइफ में पता नहीं क्या क्या चैलेंजेस आते, क्या क्या होता, तो तुम तो मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। नितिन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए और तुम ये शादी का नाटक कर रहे थे मेरे साथ। मैंने अपनी शादी के लिए क्या क्या सपने देखे थे और तुम तो मेरे साथ मजे के लिए रह रहे थे ना, बस टाइम पास कर रहे थे। तुम क्या मुझे छोड़ोगे? मैं तुम्हें छोड़ती हूँ, और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना। निकल जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुनो हरप्रीत। तुम निकल जाओ यहाँ से। सुनो तो। गेट आउट।